नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। जहां एक तरफ महंगाई से जनता सस्ते खाने पीने के सामानों को लेकर रोजमर्रा के सामानों के दाम रोज ही बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के बासी में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई धान क्रय केंद्र पर किसानों से धान खरीदे बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि बासी कस्बे में कांग्रेस के पूर्व विधायक ईश्वर सिंह शुक्ला की मौजूदगी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर मार्च कर अपना विरोध जताया और तहसील में पहुंचकर उप जिला अधिकारी शिवमूर्ति सिंह को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा कि आज महंगाई अपने चरम पर है। हमने अभी जब मोदी जी ने सत्ता संभालने की बात की, उन्होंने कहा था महंगाई 100 दिन में घटा देंगे। प्रदेश सरकार में जोगी जी ने कहा कि हम महंगाई 100 दिन में घटा देंगे। आज हालत यह है कि महंगाई उसका कई गुना बढ़ गया। जहां कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए गैस सिलेंडर के दाम थे, आज 750 हो गए। जहां मिट्टी के तेल 10 रुपए लीटर थे, आज 60-70 रुपए हैं, मिल भी नहीं रहे हैं, इतनी दुर्दशा है। आज डीजल 70 रुपए लीटर बिक रहा है, पेट्रोल 100 रुपए के धीरे धीरे किनारे पहुंच रहा है, रोज बढ़ता जा रहा है। रुपए का अवमूल्यन हो गया है, जीडीपी शून्य हो गई है, किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। आज खाद 50 की जगह 45 कर दिया, खाद मिलना दुर्लभ है। धान अपने औने पौने दाम पर बेचने के लिए किसान मजबूर है, कहीं भी धान क्रय केंद्र नहीं है। आज ये रोजगार गलियों गलियों में घूम रहे हैं, सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, वहां से रोजगार जो कर रहे थे वो भी निकाले जा रहे हैं, घूम के अपने घर आ रहे हैं, उनका भी कोई पुरुषा हाल नहीं है, वो अपने गली गली में है। आज मैं जोगी जी से या मैं मोदी जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो जनता को छूट करके फरेब करके सत्ता में आए, आज आप जनता के बीच में क्यों नहीं है? जो नौकरियों की वांट निकलती उसे इससे ले लिया जाता है। आज संविदा पर चल रही है, सारी बड़ी बड़ी चीजें प्राइवेटीकरण हो रही है, पीपी पर जा रही है। अभी जो आपका मेडिकल कॉलेज खुला है, इसको भी पीपी पर दे दिया। अब प्राइमरी स्कूलों को भी पीपी पर देने के लिए तैयारी हो रही है। यह लोग केवल जनता का मन घुमा करके हिंदू मुसलमान जात पात मजहब मंदिर मस्जिद लड़ा करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और जनता दिन रात नीचे से नीचे गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यह केवल चंद बड़े बड़े व्यापारी अडानी अंबानी इन्हीं के लिए सरकार है, बकिया गरीब जनता की सरकार नहीं है। ऐसे सरकार को तत्काल हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए।